आज के गंगादीप हॉस्पिटल में 21 तारीख को डॉक्टर जो ओपी गुप्ता सर है उनके साथ मारपीट की गई। इस घटना के बाद लगातार जो प्रयागराज के डॉक्टर है उनमें काफी आक्रोश है। हालांकि बात की जाए तो प्रयागराज के कर्नलगंज थाना पुलिस ने इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया था उसको लेकर भी इनकी तरफ से लगातार शिकायती पत्र दिया जा रहा है। अब बात की जाए जो घटना कारित हुई है 21 तारीख को एक जो रीवा के रहने वाले जो मरीज थे उनके परिजनों ने उनको अस्पताल में एडमिट कराया था और अस्पताल में एडमिट कराने के बाद जो डॉक्टर ओपी गुप्ता का साफ तौर पर कहना है कि उनके तरफ से मरीज की लगातार देखभाल की जा रही थी और उसके बाद 21 तारीख को यह घटना कारित हुई है। घटना में उनकी डेथ हो गई थी। हालांकि यह घटना वो काफी सीरियस थे और इनके तरफ से बताया जा रहा है कि दो हॉस्पिटल से ऑलरेडी वो ट्रांसफर होके यहाँ पर एडमिट हुए थे। अब पुलिस इनकी FIR दर्ज की है। हालांकि FIR के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी इनको लगातार इनका पत्र लिया गया है और अब पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ उनको शिकायती पत्र दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक जो घटना हुई है उसके बाद लगातार अस्पताल में सन्नाटा पसरा हुआ है। हम प्रयागराज के उसी हॉस्पिटल के बाहर है, गंगादीप हॉस्पिटल यह है। यहीं पर वो 21 तारीख को घटना कारित हुई थी और घटना कारित होने के बाद 24 तारीख को जब पुलिस के पास डॉक्टरों का एक बड़ा समूह जब पहुंचा था उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज की थी। न्यूज इंडिया प्रयागराज। और जिस डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। घटना में ये है कि एक चंद्र प्रकाश मिश्रा जी जिला रीवा के रहने वाले थे, वो उनकी सीरियस कंडीशन में दो जगह अस्पताल से वो आए थे। पहले शंकरगढ़ में थे, फिर यहाँ संस्कृति अस्पताल लाउदर रोड पे वहाँ, उसके बाद रेफर होके हमारे पास आए थे। और उनको सीवियर सेप्टिसीमिया था, पल्स नहीं थी, ऑक्सीजन लो हो रही थी, किडनी फेल कर रही थी और लिवर फेल कर रहा था और सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस थी। सेप्टिसीमिया का कारण मेनिंगोकोकल सेप्टिसीमिया क्लिनिकली लग रहा था। सब टेस्ट करे, उनकी जांचें करी गई। दोपहर को 2 बजे वो हमारे अस्पताल में भर्ती हुए और रात भर हम उनको देखते रहे। सुबह 5:50 पे उनकी डेथ हुई। हम उनके पास डेथ होने के 1 घंटे पहले तक लगातार उनके पलंग के बाहर रहे। जब हमने उनकी डेथ हो गई, जब नहीं किसी भी पूरी कंडीशन दवाइयाँ देने के बाद सुधरी नहीं तो डिक्लेयर किया, तो उनके पुत्र रोहित मिश्रा ने हमारे जोर से मेरे मुक्का मारा आंख पे। बाईं आंख में मेरे चोट लगी, आंख फूल गई, लाल हो गई है, आंख की रोशनी मेरी चली गई है। घटना में ये है कि एक चंद्र प्रकाश मिश्रा जी जिला रीवा के रहने वाले थे,